नमस्कार आवाज देश की में आपका स्वागत है मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आवाज देश की में आज हम आगामी बजट को केंद्र में रखकर बात करेंगे विकसित राष्ट्र की जी हाँ विकसित राष्ट्र की बात इसलिए भी करेंगे कि माना जा रहा है कि इस बार तेईस जुलाई को जो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन पेश करेंगी वो विकसित राष्ट्र का एक तरीके से रोड मैप होगा लेकिन क्या आप जानते हैं प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय जहाँ अधिक हो वो विकसित राष्ट्र कहलाता है उद्योगों की स्थापना विशाल स्तर पर कर ली गई हो ऐसा देश विकसित राष्ट्र कहलाता है उन्नत विज्ञान और तकनीक द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं ऐसे देश विकसित देश कहलाते हैं बड़े बड़े खेतों और फार्मों में मशीनों की सहायता से बड़े स्तर पर जहां पर खेती की जाती है वो विकसित राष्ट्र कहलाते हैं उन्नत स्तर पर पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय का जहाँ पर विकास होता है वो विकसित राष्ट्र होते हैं अत्यधिक विकसित यातायात और संचार व्यवस्था जहां पर इस तरीके की व्यवस्था होती है वो विकसित देश होते हैं स्त्रियां यानी कि फीमेल्स जहां पर शिक्षित हों रोजगार में लगी हुई हों और आर्थिक रूप से निर्भर हों ऐसे देश विकसित देश कहलाते हैं व्यापारिक आधार पर उद्यानों का जहाँ पर विकास होता है फल फूल आ, से जहाँ जो है भंडार भरे होते हैं वो विकसित राष्ट्र होते हैं जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और शिक्षा व्यवस्था जहाँ की बेहद मजबूत होती है वो होते हैं विकसित राष्ट्र और खेलों की दुनिया में जो हमेशा अग्रणी होते हैं वो होते हैं विकसित राष्ट्र दो विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे संजय रस्तोगी हमारे साथ मौजूद हैं, अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार हैं युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रियदर्शी दास जी हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है आर आएस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और राज्यसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए इंटर्न्स युवा शक्ति बनकर इस कार्यक्रम में मौजूद है आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर ये आ, मैंने तो मोटे तौर पर बता दिया कि विकसित राष्ट्र क्या होता है अगर इसमें कुछ एड ऑन करना चाहें और हमारा ज्ञान वर्धन करना चाहें तो आप कर सकते हैं इसके साथ ही जो आपने पैरामीटर्स बताए अभी मापदंड जो बताए हैं उसमें उसके हिसाब से भारत सरकार का ये भी सोचना है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी उनके मार्गदर्शन में यूथ का जो जो युवा है भारत का उसको एक कम्युनिटी डेवलपमेंट में फुली इंटीग्रेट किया जाए उनका फुल कंट्रीब्यूशन रहे इस चीज़ में जिससे सोसाइटी का पूरा डेवलपमेंट हो पाए यह भी एक बहुत बड़ा मापदंड आता है जी। तो वहाँ पे मेरा जो अभी डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ़ यूथ अफेयर्स उसका एक बहुत अहम भूमिका है उसके लिए उनके मार्गदर्शन में मोदी जी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक बहुत बड़ा पोर्टल हम एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी कुछ छः महीने के अंदर तैयार हो जाएगा जिसमें बेसिकली जितने भी सारे यूथ्स हैं उनको अपना प्रोफाइल वगैरह उसमें अपलोड करने का चांस मिलेगा भारत के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं कॉरपोरेशन हैं उनके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनका एक अपना हर यूथ अपना जो प्रोफाइल पेज बनाएगा उसमें वो हर अपना टैलेंट वगैरह को उसमें एक्सप्रेस कर सकता है तो जिसका भी जो रिक्वायरमेंट है जिस भी डिपार्टमेंट का जिस कॉरपोरेशन का जिस एजेंसी का जिस भी बॉडी का जो भी रिक्वायरमेंट है वो अपने अपने वॉल्टियर्स वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं इसका ऑलरेडी एक एक्सरसाइज एक शुरू हो गई है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वगैरह के साथ मिलके गृह मंत्रालय के साथ मिलके जो कम्युनिटी पोलिसंग है उसमें यूथ्स का काफ़ी कंट्रीब्यूशन अभी इस बार हम देख रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया था कि जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह जब होते हैं तो उसमें जब आ, पेशेंट जब पहुँचता है रोगी जब पहुँचता है तो उसको पता नहीं होता है कि कहाँ पर जाएँ क्या करें कैसे करें तो उसमें भी वॉल्टियर्स यूथ वगैरह आकर काफ़ी उसमें काम करना भी शुरू हुआ है जी तो इस टाइप के काफ़ी काम हो भी हो रहे हैं काम के लिए तो ताली बजनी चाहिए जी। लेकिन एक विषय मेरा था कि क्या बजट में इन सब चीज़ों के लिए प्रावधान होगा या होना चाहिए जी इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स की जितनी भी स्कीम्स वगैरह चल रही हैं वो तो रेगुलर स्कीम्स हैं जैसे नेशनल सर्विस स्कीम वगैरह का नाम आपने जरूर सुना होगा एन वगैरह का काफ़ी यंग बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं तो सब कॉलेजेस वगैरह में रहते हैं सबके कॉलेजेस में एन वगैरह एक स्कीम चलती होगी उसके अलावा जो हर गांव में हर एरिया में हर ब्लॉक ऑफिस वगैरह में भी एक नेहरू युवा केंद्र वगैरह जो होते हैं उसमें यूथ वगैरह को काफ़ी कंट्रोल काफ़ी यानी पार्टिसिपेशन करने का एक चांस मिलता है उसके अलावा आपने देखा होगा कि यंग लीडर्स प्रोग्राम एक चलता है भारत सरकार के काफ़ी यूथ हॉस्टल्स वगैरह हैं तो बजट का एस सच कभी कोई कमी यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट को नहीं रही है और जैसा जैसा इसमें बजट का इसमें जो यूथ अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट का जो इनिशिएटिव है वो यूथ्स वगैरह को मोबिलाइज़ करके उन्हें फुल्ली सोसाइटी में इंटीग्रेट करने का काम है तो उसमें बजट का जो रोल होता है वो थोड़ा सा है उस चीज़ को केवल शुरुआत करने के लिए बट बजट का कभी कमी रही नहीं है और जितना भी पैसा भारत सरकार को यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के लिए देना होता है उसके लिए भारत सरकार कमिटेड है हमने मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा जी जी प्रियदर्शी जी अगर यूथ की जब बात करते हैं तो स्टार्टअप्स सामने आता है पिछले दस वर्षों में स्टार्टअप्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई डिजिटल इंडिया की बात आती है तकनीक अनुसंधान रिसर्च वो तमाम ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो विकसित भारत की ओर हमें ले जा सकते हैं और इनसे सीधे तौर पर सरकार होता है युवाओं का यूथ का क्या मानना है बिल्कुल सही बताया आपने आप अगर देखेंगे 19 बीस का बजट और 23 चौबीस का बजट यही दो बजट में आप देखेंगे सरकार का जो नीति रहा है युवाओं को कैसे नो नेशनल मेन स्ट्रीम में, में कैसे जोड़ें उनको सर ने बताया है कि कैसे उनको कम्युनिटी एंगेजमेंट में जोड़ सकते हैं बट उससे सबसे बड़ा ज़्यादा योगदान जो युवा का होता है को देश को कैसे आगे लेके जाए वो है कि आप अपने देश को कैसे दुनिया के सामने खड़ा उतारना देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव कितने हैं हम लोग उसके लिए साइंस टेक्नोलॉजी फील्ड में क्या क्या होना चाहिए एजुकेशन फील्ड में क्या होना चाहिए अगर आप देखेंगे जो रिसेंटली जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है स्किल इंडिया है स्टार्टअप इंडिया है अप इंडिया है, है ये सारे स्कीम जो है देश के युवा को कैसे पूरी तरह से अपने देश देश का अर्थनीति में योगदान के लिए वो सारा स्कीम वो आपको सुझक देता है और और एक चीज़ में ये सरकार जो काफ़ी साल से मेहनत करते आ रहे हैं कि जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर को मैं प्रमोट करने के लिए आप सिर्फ नौकरी ढूंढेंगे नहीं आप लोगों को रोजगार का अवसर देंगे उसके लिए आपको स्टार्टअप आप का जरूरत है इसलिए स्टार्टअप इंडिया का एक संस्था मतलब बनाया गया है जिसमें आपको वो एडवाइस देते हैं आपको क्या क्या क्षेत्र में उद्योग क्या पॉसिबिलिटी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है उसको छोड़ के मुद्रा स्कीम है मुद्रा स्कीम में आपको जो क्रेडिट है वो प्रोवाइड किया जाता है इस तरह का जो प्रयास रहा है सरकार का वो पूरी युवा जो है जो हमारे जो एवरेज एज है इंडिया का वो तीस साल से कम है और वो लगभग तीस प्रतिशत से ज़्यादा है इस जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं तो पूरी तरह से अगर हमारा जो युवा शक्ति है जिसको 2023-24 का बजट ने अमृत पीढ़ी मान के जो स्कीम बनाए हैं आप अगर पूरी तरह से देखेंगे तो ये सारा जो स्कीम है ये खाली आपको एनेबल नहीं करेगा कि आप डिजिटलाइजेशन का एज में कैसे ज़्यादा मतलब खुद स्किल्ड हो सके क्या क्या नया स्किल है जो आप सीख सकें कि ताकि आप जॉब क्रिएट कर पाएँ फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इंटरनेट ऑफ थिंग्स है रोबोटिक्स है सेमी कंडक्टर्स है ये जो है जो वो नया नया स्किल आपको सीखना है तब जाके आपको दुनिया के सामने कॉम्पिटिटिव होगे। आप सुने होंगे कि इंडिया का जो युवा है वो बाहर में जाके जैसे नर्सिंग फील्ड है सॉफ्टवेयर है उसमें हम लोग का ज़्यादा योगदान रहा है विश्व का जो अर्थनीति है अभी और सारे जो एरियाज है उसमें भी इंडिया का बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा क्योंकि हम लोग अच्छा इंग्लिश बोल पाते हैं हम लोग इंजीनियरिंग साइंस फील्ड में बहुत ज़्यादा कैपेबल है हम लोग ऑनेस्ट है क्योंकि हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो हमको ऑनेस्ट और कमिटमेंट सिखाता है तो ये सारे चीज़ें अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा मतलब दिशा दिख रहा है कि इंडिया का युवा जो है देश का अर्थनीति में तो उनका योगदान बढ़ेगा ही बढ़ेगा बट विश्व का जो अर्थनीति है उसमें भी वो इंडिया का काफ़ी सारा नाम जी हाँ पूरा देश युवाओं की तरफ देख रहा है युवा क्या सोचते समझते हैं विकसित राष्ट्र को लेकर और इस बजट में क्या कुछ प्रावधान होने चाहिए जल्दी जल्दी कुछ आवाज़ें समाहित करें नमस्कार मेरा नाम धीरज कुमार गुप्ता है मैं बिहार गोपालगंज से बिलोंग करता हूँ अ पार्ट ऑफ इंटर्नशिप मेरा एक सवाल है अभी जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है दो तक विकसित भारत का लक्ष्य जो हमने तय किया हुआ है तो अभी एक एजुकेशन पॉलिसी आई है दो और इसमें स्टार्टअप इंडिया जैसे आपने सर ने अभी जस्ट जिक्र किया था इसमें तो वो किस प्रकार से युवाओं के लिए हेल्पफुल होगा जो कि हम लोग विकसित भारत बनाने का लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे सर मेरा नाम देव शर्मा है आ, जैसे आप दोनों के द्वारा हमें सुनने को मिला कि यु युवाओं के लिए काफ़ी ही आपका सरकार का भी मोटिव रहता है कि जितना स्किल हम दे सकें जितना हम पढ़ा सकें उन्हें मैं ये जानना चाहूँगा कि बजट के द्वारा सरकार क्या कर सकती है कि हम पढ़ाई जो हम करें आज के डेट में एजुकेशन अफोर्ड करना ही एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी होती है हमारे लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव तो इन बजट में गवर्नमेंट क्या कर सकती है या आने वाले समय में हमारे लिए क्या ऐसा कुछ गवर्नमेंट कर पाएगी जिससे हम और डेवलप स्किल्स अपने अंदर ला पाए सबसे बड़ी बात ये नई शिक्षा नीति की बात की है नई शिक्षा नीति में हमने देखा है कि बहुत जोर फोकस रहा है सरकार का अनुसंधान पर शोध पर और कोई भी विकसित राष्ट्र की तरफ हम देखते हैं तो जब तक वहाँ पर एक सर्टेन लेवल का वहाँ पर शोध नहीं हो होता किसी देश में वो विकसित राष्ट्र नहीं बन पाता एक बात कि हम लोग उच्च जो है मापदंड शिक्षा के कैसे अर्जित कर पाएँ और शोध का क्या स्थान होगा और इस बजट में क्या कुछ प्रावधान हो सकता है देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि इस बजट में जो यूथ और एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि जो उपलब्धियाँ ये सरकार का रहा है पिछले दस साल में स्टार्टअप इंडिया को लेके डिजिटलाइजेशन को लेके तो ये बढ़ावा उनको मिला है तो वो वो मोमेंटम को खोना नहीं चाहेंगे जो आपका प्रश्न रहा है कि जो अनुसंधान के तरफ ज़्यादा फोकस रहा है 19-20 का बजट में उन्होंने एक स्कीम का अनाउंस किए थे नेशनल रिसर्च फंड तो सारे अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का जो रिसर्च के लिए जो एलोकेशन होता था उसको उन्होंने इंटीग्रेट बना दिया है एक स्कीम बना दिया है और उसको एलोकेशन बढ़ा दिए हैं ताकि आप उसमें ज़्यादा रिसर्च कर पाएँ उसका सही तरीके से मॉनिटरिंग हो पाए कौन सा एरिया में रिसर्च करें जो आपका जो प्रश्न था कि हम लोग ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है हम पढ़ नहीं पाएंगे क्या है उसमें फेलोशिप्स का स्कीम भी रखा गया है और एक सेल्फ स्टडी टाइप का एक स्कीम भी बना है स्वयं इनिशिएटिव बोलते हैं उसमें स्वयं में क्या होता है आप मान लीजिए कॉमर्स का कोर्स कर रहे हैं लेकिन आपको आर्ट्स का कुछ कोर्स पढ़ना है वो स्वयं में आप इलेक्टिव कुछ क्रेडिट का कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से अपना टाइम हिसाब से आप वो कोर्स कर सकते हैं तो उसमें आपने पढ़ाई में भी जो इच्छा है उसमें कोई कमी नहीं रहेगा आपको कोई नया स्किल सीखना है वो आप कर सकते हैं चाहे वो वोकेशनल एजुकेशन हो वो जो भी हो बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है जो आई से आई से अलग अलग यूनिवर्सिटी से वो स्वयं पोर्टल में ओपनली ओपन एक्सेस है आप उसको क्रेडिट कर सकते हैं अपने कोर्स को सर। हाँ, जी हमारे साथ युवा और खेल मामलों के विशेषज्ञ भी मौजूद हैं तो खेल से जुड़ा हुआ कोई हमने देखा है आजकल की जैसे स्पोर्ट्स स्टेडियम है अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें जम्मू की बात करें वहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम बहुत ज़्यादा कम है जिसकी वजह से जो प्राइवेट बेस्ड प्लेयर्स हैं वो उनसे चार्ज लेते हैं तो अगर वो उनको एक स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता तो दे आर मोस्टली इन ड्रग्स एंड ऑल तो क्या गवर्नमेंट ने ऐसा कोई प्रस्ताव सोचा है कि वो स्पोर्ट्स स्टेडियम और एस्टैब्लिश करें ताकि जो यूथ का इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में क्रिकेट में इन सब में इन्हेंस हो पाए एंड दे कैन गिव दे हंड्रेड परसेंट जो कल को आज के जो हमारे यूथ हैं दे आर द लीडर्स फॉर द टमोर हो क्योंकि ताकि उनका इंटरेस्ट बढ़े और मोर एंड मोर दे कैन बिल्ड इन ओवर स्पोर्ट्स बिल्डिंग कैपेसिटी में तो क्या ऐसा कोई प्रस्ताव बजट में ऐसा रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा सरकार के जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसमें एक खेलो इंडिया स्कीम है खेलो इंडिया स्कीम में एक तो भारत सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह का जो भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहती है उसके लिए काफ़ी पैसा देते हैं तो उसमें बेसिकली अभी हिमाचल का फिगर तो मेरे पास नहीं है मैं आपको बता नहीं पाऊंगा या फिर आप चाहें तो इसको मैं बाद में आपको पास ऑन कर सकता हूँ उसमें बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह से जितना भी प्रपोजल आते हैं और उसके लिए काफ़ी एक्टिवली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार जो है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट काफ़ी पैसा दे रही है काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा दिया है और काफ़ी जितने भी जो बड़े बड़े स्टेट गवर्नमेंट जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे कोई भी जैसे स्पोर्ट डिसिप्लिन पॉपुलर हुआ है वहाँ पे भारत सरकार का बहुत ज़्यादा अभी इंफेसिस रहा है पिछले सात आठ साल में आप देखेंगे कि जैसे ओलंपिक्स में भी इंडिया का काफ़ी परफॉर्मेंस बेटर हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ है वर्ल्ड गेम्स वर्ल्ड जो चैंपियनशिप्स होते हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है अभी जो ओलंपिक्स होने वाले हैं पेरिस में उसमें भी हमारा काफ़ी एक्सपेक्टेशन है कि काफ़ी इंडिया अच्छा करने वाला है हमने देखा है कि बहुत सारा प्रावधान किया है कि सरकार जो हमारे चुनिंदा खिलाड़ी हैं जिनसे हमारी उम्मीदें हैं उनको समय से पहले उस देश में भेजा जाता है जहाँ पर वो प्रतियोगिता होने वाली होती है प्राइवेट वो कोच रख सकते हैं सारा खर्चा उनके प्रशिक्षण का उनकी तकनीक का सारा वहन सरकार करती है तो जो युवा जो खेल को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनकी भी जो है अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और ये अपेक्षाएं सीधे तौर पर बढ़ती हैं बजट को लेकर तो बजट में क्या कुछ प्रावधान विकसित राष्ट्रों में हुआ करता है कि उसके समकक्ष या उसके आसपास हम लोग पहुँच पाए इसमें इसमें भारत सरकार के अपने बजट के अलावा जो 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 प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं और पी वगैरह से हैं उनसे भी काफ़ी उन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है ऐसा पैसा देने के लिए जैसे आपने अभी मेंशन किया कि जितने भी हमारे प्रॉमिसिंग प्लेयर्स हैं जिनको लगता है कि ओलंपिक्स वगैरह में मेडल जीत सकते हैं उनके लिए काफ़ी फैसिलिटी ऐसी क्रिएट करते हैं तो उसमें भारत सरकार का एक प्रोग्राम है टॉप्स करके जिसमें जो चुनिंदा प्लेयर्स हैं और चुनिंदा जो डिसिप्लिन हैं उसमें काफ़ी उनको सेलेक्ट करके फिर उनको सारी फैसिलिटी देने की कोशिश की जाती है और काफ़ी सारे प्लेयर्स वग़ैरह तो काफ़ी टाइम से बाहर रहते हैं वहाँ पे सारा अपना कोचेस वगैरह वो सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको बहुत लिबरली एक असिस्टेंस दिया जाता है फाइनेंस का नहीं आप अगर देखेंगे स्पोर्ट्स का लेके जो अवेयरनेस है खाली हमारे देश में क्रिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है आप अगर कई साल से देखेंगे चाहे हॉकी हो पैरा ओलंपिक्स हो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किए क्योंकि इसका इंटरेस्ट बढ़ने का रीज़न ये है कि उनको लग रहा है कि हम स्पोर्ट्स का भी कैरियर बना सकते हैं आपने पढ़े होंगे कि पिछले ओलंपिक्स के टाइम पे जो डेली अलाउंस मिलता था जो सारे जो लोग टीम जा रहा है इंडिया से वो बढ़ाए के वो काफ़ी दिन से बढ़ा नहीं था उसको रिवाइज करके बढ़ाए थे और अभी सारे स्पोर्ट्स बोर्ड जो है जैसे मैं उड़ीसा का एग्जाम्पल दूंगा उसमें हॉकी को इतना पॉपुलर बनाए हैं स्टेट में तो हॉकी को जो सोचते नहीं थे वो अभी हॉकी के बारे में सोच रहे और कह सकते हैं उड़ीसा ने तो कहीं ना कहीं एक तरीके से गोद ले लिया है हमारी हॉकी हॉकी को कर, उसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया है तो और काफ़ी जी जी एक जो है बिंदु है वो है किसानी का फार्मिंग का वो मैंने अभी बताया भी कि वहाँ पर बड़े बड़े फार्म्स होते हैं बड़े बड़े खेत होते हैं तकनीक से और सॉइल टेस्ट करके और उस तरीके से वहाँ पर खेती की जाती है और ऐसे देश भी कहीं ना कहीं विकसित राष्ट्रों में शुमार होते हैं तो भारत कोई कृषि से जुड़ा हो कोई सवाल जी सर जैसे कि आपने बताया कि कृषि मंत्रालय ने बहुत ज़्यादा काम किया है बजट को लेके तो सर मेरा ये प्रश्न है कि क्या बजट में ऐसा कोई प्रावधान है जिससे हमारा जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है उसका आउटपुट बढ़े किंतु उसमें जितना वित्त लगाया जा रहा है उसे सेम उसे कम किया जा सके प्रियर्शी जी उसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं कि आपका इनपुट बढ़ेगा नहीं लेकिन आपका आउटपुट बढ़ेगा जिसको आप कॉस्ट के हिसाब से एफिशिएंट बोलते हैं आप आप कोई भी बजट देख लीजिए पिछले 10-15 साल का इंडिया का बजट देख लीजिए एग्रीकल्चर में हमेशा यही फोकस रहा है कृषि के क्षेत्र में क्योंकि कैसे हम उसको प्रोडक्टिव बनाएं और ज़्यादातर फोकस रहा है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आ, आज कल आप सुने होंगे सारे जगह पे एक ग्लोबल वैल्यू चेन की चर्चा होती है उसमें क्या होता है कि आपका जो रॉ क्रॉप्स है उसमें अगर आप जैसे मान लीजिए फ्रूट्स है फ्रूट्स को अगर आप ऐसे भेजेंगे मार्केट में जो आपको जो मिलेगा प्राइस मिलेगा फूड को अगर आप जूस बना देंगे जाम बना देंगे वो प्रोसेस्ड आइटम्स हो जाता है उसका आपको फार्मर को रेवन्यूरेशन बढ़ जाता है वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट हो सकता है उसी तरह हॉर्टिकल्चर में भी, भी सोचा जा सकता है तो प्रोसेसिंग साइड में जो फूड प्रोसेसिंग एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको ज़्यादा प्रमोट करने के लिए सरकार का यही मतलब उद्यम रहा है काफ़ी क्योंकि से। हमने देखा कि थ्री लेयर फार्मिंग आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है बाहर से हायर एजुकेशन लेने के बाद बड़ी बड़ी नौकरियाँ छोड़कर ंगस्टर्स वापस अपने देश आ रहे हैं और फार्मिंग की तरफ जो है वो उनका आ, काफी झुकाव हो रहा है तो ये झुकाव और ज्यादा विस्तार ले इसके लिए प्रावधान होना चाहिए क्या बजट में भी वो एक मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने छेड़े हैं जी क्योंकि जो देश में वापस आना चाहते हैं उसको देश है? उसको वेलकम करना चाहिए जी मेरे ख्याल से ऐसा तो कुछ स्कीम है जैसे आपने देखे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर जहाँ भी जा रहे हैं वो इंडियन डायस्परा से बात करते हैं कि आप इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए आप इंडिया में आइए निवेश कीजिए तो मेरे ख्याल से सरकार इस रास्ते में कुछ ना कुछ तो सोचेगा जरूर और सोचते होंगे क्या ठोस कदम होगा इस बजट में या सब्सिक्वेंट बजट में वो हम देखेंगे लेकिन जरूर इसके बारे में वो सोचते होंगे जी जी हमारे यंगस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं चूँकि हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है जिसमें खेल का भी एक क्षेत्र उसका जिक्र हमने किया तकनीक का जिक्र किया एक और क्षेत्र है डिफेंस डिफेंस वो एक क्षेत्र है जिसमें हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा किया करते थे एक्सपोर्ट ना के बराबर था लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हम लोग लगातार डिफेंस पर हम लोग जोर दे रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग इस क्षेत्र में बढ़ी है और एक्सपोर्ट भी हम लोग करने लगे डिफेंस से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न किसी के पास मेरा नाम सतीश भांडगे है आ, अभी डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा फोकस किए तो हम थर्ड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसलिए डिफेंस सेक्टर में कितना आ, फंड अलॉटमेंट हो सकता है ज़्यादा तो ज़्यादा अलॉटमेंट होना चाहिए बोल के मेरा राय है इतना फंड अलोकेट होगा तो एग्जैक्ट नंबर आपको बता नहीं पाएंगे लेकिन इट्स द बैकबोन ऑफ द कंट्री बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं सही बात है क्योंकि पहले हम लोग डिफेंस सेक्टर को एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर मानते थे अभी भी मान रहे इसी हिसाब से जो भी फैसला लिया जाता था डिफेंस को हम थोड़ा सोच समझ के लेते थे कि हम क्या करें अभी पिछले कई साल से ऐसा लगने लगा है कि ये एक सेक्टर है जो अंडर एक्सप्लोटेड है जिसमें हम कम काम कर रहे हैं हमारे इतने युवा है जो डिफेंस प्रोडक्शन में लगे हुए हैं डी आर डी ओ है बहुत सारे साइंटिस्ट हैं और डी आर डी ओ टाइप का संस्था भी क्रिएट किया जा सकता है जो तो डिफेंस प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी के ऊपर जो फोकस हुआ है इंडिजिनस जो इंडिजनस डेवलपमेंट जो डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है उसको पूरी तरह से लेवरेज नहीं किया जाता था पहले जो अभी हो रहा है तो इसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली वो सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ज़रूर जो बढ़ा कुछ तो एलोकेशन बढ़ेगा लेकिन ये बात तो सही है कि डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर जो सीरियसनेस आया है भारत सरकार का सोच में और जो बजट में दिखाई देगा ये तो आ, सच है जी हाँ आ, महिलाओं को लेकर नारी शक्ति को लेकर एक बिल भी पिछले दिनों संसद में पास हुआ था जो कानून बन गया है और बहुत जल्द उसको लागू भी किया जाएगा और, और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं महिलाओं से जुड़ा हुआ नारी शक्ति से जुड़ा हुआ कि क्या प्रावधान होना चाहिए बजट में कोई सवाल महिलाओं जी? से मेरा जुड़ा हुआ ये एक छोटा सजेशन है मैंस्ट्रियल साइकिल के टाइम पर जो सैनिटरी पैड्स महिलाएँ यूज़ करती है सरकार को ये सोचना चाहिए कि रूरल एरियाज़ में अभी भी इसकी यूज़ बहुत ही कम देखी गई है तो वहाँ टैक्स सैनिटरी पैड्स में टैक्स कम कर सकते हैं ऐसा एक हम um, सही बोला उनने जो मैंस्ट्रियल साइकिल के टाइम पे जो हम पैड्स यूज़ करते हैं उसमें जो टैक्स लगता है वो रूरल एरियाज़ में जो औरतें हैं वो नहीं ले पाती हैं उसके वजह से तो उसमें कुछ होना चाहिए इसके ऊपर अभी भी चर्चा हुआ था सब कुछ मुद्दा था इसके ऊपर देखिए इसमें दो बात है इसका दो पहलू है एक तो है कि अगर आप टैक्स कम भी कर देंगे प्राइस कम कर देंगे तो भी कुछ लोग ले, ले रहे हैं तो वो अवेयरनेस में क्या पे इसलिए आपने मूवी जो अक्षय कुमार का मुखी मूवी देखे होंगे थ्रू टेली एंटरटेनमेंट और एजुकेशन स्प्रेड करने का कोशिश किया गया था कि लोग समझें कि एक लग्जरी नहीं है ये एक जिनके पास पैसा है वो नहीं है ये एक हेल्थ कॉन्शसनेस है तो दोनों पहलुओं को इक्वली जोर देना जरूरी है बट ये बात सही है कि उसका जो प्राइस है वो इतना कम होना चाहिए कि जैसे कि सर सब लोग उसको खरीद पाए लेकिन दूसरा है कि उसका अवेयरनेस कैसे बढ़े जैसे आप लोग हैं जो पढ़ाई लिखे किए हुए आप जिनको मिलते हैं उनसे आप बोल सकते हैं कि आप करते हैं कि नहीं करते हैं हम इस बात को लेकर शर्म करते हैं बट इससे आगे जाना पड़ेगा हम विकसित भारत सोच रहे हैं हम अपने युवा जो है कम से कम रूरल एरिया के युवा के बीच में तो ये मतलब अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है जी। तो दोनों पहलू के ऊपर सर हमें इसके लिए ग्राउंड लेवल पर जाकर एक ट्रेनिंग कैंप्स या वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए ताकि जो रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं जो बैकवर्ड एरिया के लोग हैं ताकि उन्हें इस चीज़ की नॉलेज मिले या चीज़ को लेके अवेयर हो क्योंकि आज भी अगर हम देखें अगर हम बात करें तो बहुत से लोग अभी अवेयर नहीं है तभी या, या तो हैवी टैक्स की वजह से या जो टैक्स उस पर लगता है ये भी एक रीज़न है या एक लैक ऑफ ट्रेनिंग जैसे अभी आपने कहा तो गवर्नमेंट को इसमें भी एक बजट में ये चीज़ डालनी चाहिए कि अगर हम ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करें जीरो लेवल पर या ग्राउंड लेवल पर ताकि लोग

उनका जो परीक्षा फल है वो पुरुषों से बेहतर आता है उसके पश्चात भी और ज़्यादा भागीदारी बढ़े और विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए स्पोर्ट्स में जो अभी मैं काम देख रहा हूँ उसमें स्पोर्ट्स में तो जो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है वो पुरुषों से कहीं ज़्यादा है और हर जगह सरकार जितने भी कैंप्स वगैरह लगाती है उनके लिए स्पेशल उनके कोचेज वगैरह का अरेंजमेंट करने की कोशिश करती है और जैसा इसके पहले जो डिस्कशन हो रहा था उसमें मेरा आ, मेरी जानकारी में है कि जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है भारत सरकार का उन्होंने काफ़ी ऐसे कैम्प वगैरह लगाने की कोशिश की है जो रूरल एरियाज़ में जो भारत के जो ग्रामीण अंचल वग़ैरह है वहाँ पे ये सैनिटरी पैड्स के यूटिलाइजेशन को यूज़ को थोड़ा सा बढ़ा सकें तो भार भारत सरकार के सारे प्रयत्न इसमें किए जा रहे हैं बट चूँकि हमारा देश बहुत बड़ा है बहुत डिफरेंट पॉकेट्स हैं तो इसमें आ, हमेशा प्रयत्नों की आ, रहता है कोशिश बट और भी इसको कर सकते हैं हम तो ये अभी जो यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट है इसका भी एक ये है कि इसमें यूथ्स वगैरह को भी इन्वॉल्व किया जाए और उनको भी गांव वगैरह में ऐसे कैंप्स में थोड़ा सा में वो कंट्रीब्यूट करें जी जी जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात कही कि प्रधानमंत्री का मानना है कि विकसित राष्ट्र का जो संकल्प है वो सिद्ध होगा युवाओं के माध्यम से माध्यम से तो युवाओं को केंद्र में रखकर ये बजट होगा ये माना जी, जाए जी डेफिनेटली मैं तो मानता हूँ कि इसके ऊपर फोकस रहेगा बट मैं एक बिंदु उसमें जोड़ना चाहता हूँ जो आप महिलाओं का बता रहे थे अभी जो लखपति दीदी का बात हो रहा जी. है वो कहाँ तक तो पहुँचा शुरू हुआ एक छोटा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट से बीस साल में एस एस जी नाबार्ड का स्कीम शुरू हुआ आके हम इस स्टेज में पहुंच गए जो थ्रू पापड़ मेकिंग करता है कोई अगरबत्ती बनाता है कोई मछली का ड्राई फिश बनाता है वो आज खुद तो एम्प्लॉयड है ही है पचास लोगों को एम्प्लॉयड करके रखे हुए हैं दूसरा पहलू वुमेन एम्पावरमेंट का है डिजिटलाइजेशन डिजिटलाइजेशन होने के वजह से जो स्मार्टफोन के जरिए जो उनको जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है जो एम्पावरमेंट हुआ है उसके ऊपर सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस रहा है मैं खुद उस एरिया में काम करता हूँ कि आप अगर देखेंगे आंकड़ा लेके देखेंगे हर साल का जो वृद्धि हो रहा है यू ट्रांजैक्शन में जितने महिलाओं ने इंटरेस्ट ले रहे खुद अपना एंटरप्राइज शुरू करने में उसका आपको देख के इतना मतलब एक्साइटमेंट होगा कि इस फील्ड में क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है अरे तो बहुत ज़्यादा मतलब जी अच्छा ये विषय बहुत वृद्ध है विकसित भारत को केंद्र में रखकर बजट का और बहुत सारे इसके घटक हैं कंपोनेंट्स हैं तत्व हैं उस पर भी अलग से बात करेंगे लेकिन कम समय में बहुत सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करने में यहाँ पर सफल रहे आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रियदर्शी जी और संजय रस्तोगी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जनता जनार्दन का और हम ये मान कर चलते हैं कि ये बजट विकसित भारत का रोड मैप होगा लेकिन बजट के इतर हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि विकसित भारत आ, बनने की राह में हम अपनी भागीदारी अपनी सहभागिता भी तय करें जनता जनार्दन का भी बहुत बहुत धन्यवाद ऑल दी वेरी बेस्ट आवाज देश की में आज के लिए इतना ही आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए लेकिन देखते रहिए सनसद टीवी नमस्कार टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हां इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें